सिवनी मालवा में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। सिवनी मालवा प्रशासन द्वारा दो गांव में 29 एकड़ शासकीय जमीन को अतिक्रमणकारियों ने 100 वर्षों से अपने कब्जे में कर रखा था तथा शासकीय जमीन पर बाकायदा खेती भी की जा रही थी। प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमणकारियों से जमीन मुक्त करा दी गई। विकासखंड सिवनी मालवा के ग्राम पीपलवेर में 24 एकड़ शासकीय जमीन पर 8 अतिक्रमणकारी जिनमें गुलाब पिता मांगीलाल, बदामी पिता मंगल सिंह, गब्बू पिता राम प्रसाद, द्वारकाबाई पति दयाराम, अनोखी पिता खूबीलाल, श्याम सिंह पिता राम सिंह, सुरेंद्र पिता किशोरी लाल एवं अन्य ने बरसों से कब्जा कर रखा था। वहीं ग्राम सोयत में 5 एकड़ शासकीय भूमि पर बदामी पिता हजारी लाल ने वर्षों से कब्जा कर रखा था तथा शासकीय जमीन पर खेती की जा रही थी। एसडीएम डीएन सिंह एवं तहसीलदार दिनेश सावले की मौजूदगी में शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया गया। सोयत ग्राम में महिलाओं द्वारा कार्यवाही का विरोध किया गया परंतु प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटा दिया गया। अब दोनों गांव में शासकीय भूमि पर जनपद पंचायत सिवनी मालवा द्वारा खेल मैदान, गौशाला निर्माण तथा वृक्षारोपण किया जाएगा। खेल मैदान एवं गौशाला निर्माण के लिए तत्काल ही लेआउट डाला गया है तथा पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि तत्काल ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। शासकीय जमीन पर तत्काल ही सीमांकन भी किया गया। तहसीलदार दिनेश सावले ने बताया कि जिन जिन ग्रामों में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है उसे अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाएगा। सिवनी मालवा से संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। आज जनपद सीओ के द्वारा जो कार्य चिन्हित किए गए हैं गौशाला के और खेल मैदान के लिए, तो ग्राम सोयत और पीपलवेर में हम लोग के द्वारा ज्वाइंटली कार्रवाई की गई है। उसमें एक जगह 24 एकड़ और एक जगह 5 एकड़, इस प्रकार से 29 एकड़ जमीन का कब्जा मुक्त कराया गया है और उनको जनपद को निर्माण कार्य के लिए सौंपी गई है।